फिल्म पद्मावती के विरोध में आज गांधीनगर में राजपूत संगठन करणी सेना ने बड़ी सभा बुलाई। करणी सेना ने फिल्म पर बैन की मांग की। बैन नहीं करने पर हिंसा की धमकी भी दी है करणी सेना ने। करणी सेना के संयोजक लोकेंद्र सिंह कालवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम आपने बुलाया राजपूत समाज का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, रानी पद्मनी के सम्मान में राजपूत समाज मैदान में, और राजपूत ही नहीं, पद्मनी भी पूरी मजबूती के साथ में मैदान में। हम ये चाहते हैं पद्मावती बंद हो, ये फिल्म न चले। बार बार चर्चा आती है 1 तारीख को क्या होगा, ये तो हरिच्छा है, ये तो ईश्वर बताएगा कि क्या होगा। इस देश में जिस तरह से इतिहास का तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, हम सख्त खिलाफ हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी पीढ़ी में हमारी बहन बेटी पर कोई उंगली उठाए। हम पद्मावती के बंद से पहले कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि 16,000 स्त्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जब जौहर स्थल पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी जैसे मूर्धन्य प्रधानमंत्री भी वहां पर उपस्थित थे, तो क्या अब यही बचा है कि हम हमारे इतिहास से खिलवाड़ करने वालों को? आज बहुत चर्चा है करणी सेना ने थप्पड़ मारे, पर अगर हम थप्पड़ मारने लायक भी नहीं है, अगर हमारी बहन बेटी पर उंगली उठाए हमारे घर में आकर, हम थप्पड़ मारने लायक भी नहीं है। तो करणी सेना ने दी है पद्मावती बैन नहीं करने पर हिंसा की धमकी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।